ओए होए भाई, ये देखो देसी जुगाड़ जरा, और चौथे पे आपकी स्माइल क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है जी आपका स्वाद ऑफिशियल में। मैं इस समय मौजूद हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर, और मेरे लेफ्ट पे आप देख रहे हैं ये है बाल भारती स्कूल, और बाल भारती स्कूल के बिल्कुल सामने ये अंकल खड़े होते हैं जो अपनी स्कूटी के ऊपर ही बॉम्बे सैंडविच बेचते हैं। उसके अलावा भी और सामान है, पैटीज है, बर्गर है। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कितनी उम्र है सर आपकी? 44 पारी है। अरे क्या बात है। तो क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ पे? हम जी बनाते हैं बॉम्बे सैंडविच जी, बर्गर, पैटीज। अच्छा। और स्कूल के टाइम पर रखते हैं चौमिन के समोसे। आपको दिखाता हूँ इन्होंने कैसे स्कूटी में ही अपना देसी जुगाड़ जो है तैयार किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने अपना काउंटर लगाया है, और थोड़ा सा अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बर्गर की टिक्की को सेकने के लिए तवा लगा के रखा हुआ है। और यहाँ देखिए डस्टबिन है, ये भाई पंडित जी ने यहाँ पे देखिए देसी जुगाड़ अपना बना रखा है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पैटीज रखी हुई है, ब्रेड है, उसके बाद यहाँ पे इनका बाकी का सामान है पैकिंग का। ये देखो भाई कितनी बढ़िया जो है इन्होंने यहाँ पे जो अपनी स्कूटी है उसको खुद ही तैयार कर लिया। और क्या क्या मिलता है आपके यहाँ पे? हमारे पास सबसे बेस्ट एक नंबर पे है बॉम्बे सैंडविच। अच्छा, तो आइए देखते हैं जी किस तरीके से पंडित जी हमारे यहाँ बनाते हैं बॉम्बे सैंडविच। ये लग रहा है जी अमूल का मक्खन, अब लगेगी हरी चटनी। तो ये देखिए जी तैयार हो रहा है बॉम्बे सैंडविच, बढ़िया एकदम बॉम्बे सैंडविच। 30 रुपये इसकी कीमत है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको पैटीज मिलती है, और साथ में आपको मिलता है जी बर्गर और पंडित जी का प्यार मुफ्त। क्या तो क्या क्या लगता है जी इसमें? टमाटर, खीरा, प्याज और आलू। और आलू, ओहो, थोड़ा हम सलाद डाल चुके हैं। अच्छा जी, थोड़ा इसके ऊपर हरी चटनी और डालेंगे। बहुत बढ़िया जी। तो किसी से सीखा है पंडित जी, खुद ही अपने आप ही इजाद कर दिया इसका? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिना गुरु का तो कोई गुरु बिना गति नहीं। हाँ। तो ये देखो भाई, ये है बढ़िया एकदम बॉम्बे सैंडविच, 30 रुपीज का मात्र। और उसके अलावा ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार सफर कराता हूँ आपको इनकी स्कूटी का। तो ये है जी पैटीज। ओए होए क्या बात है जी। तो ये कितने की है सर? ये अभी तो हम 20 का ही बेच रहे हैं। अच्छा, तो 20 रुपए की बेच रहे हैं। तो अभी 20 का। तो इसको गर्म कैसे करते हैं आप? ये देखिए सर, हीटर लगा हुआ है। ओए होए भाई, ये देखो देसी जुगाड़ जरा क्या बात है। ये देख रहे हो अंदर कोयला जल रहा है, और धीमी धीमी आंच पे। ओए होए क्या भाई, क्या बात है पंडित जी। और यहाँ पे इन्होंने रखे हैं बर्गर जो कि हो रहे हैं गरम, और साथ ही में यहाँ पे रखी हैं पैटीज जो कि एकदम खस्ता कुरकुरी करारी और साथ में गर्मा गर्म है जी। और बर्गर कितने का पंडित जी? बर्गर 20 का ही बेच रहे हैं। बर्गर भी 20 रुपए का। और बॉम्बे सैंडविच? बर्गर सैंडविच था 40 का, लेकिन इस टाइम 30 का ही बेच रहे हैं। अच्छा, तो पंडित जी कब से कर रहे हैं ये काम आप? 1990 13 जनवरी यहीं पे खड़े होते हैं तब से? मैं थोड़ा बहुत तो पहले शुरू में घूमता था बहुत ज्यादा जी, लेकिन करीब करीब 25-26-27 साल हो गया होगा एक ही जगह पे। और अब तैयार होगी जी पैटीज। पैटीज के लिए भी स्पेशल तरीका है जी इनका बनाने का, ऐसा नहीं कि जो पैटीज वहाँ पड़ी है उसी को ही ये एज इट इज आपको देते हैं। ये देखो ये कट रहा है जी प्याज, खीरा और टमाटर। ये आई जी गर्मा गर्म पैटी एकदम, और उसके ऊपर ये डालते हैं प्याज, टमाटर और खीरा और हरी चटनी। अरे क्या बात है। और मसाला सुपर गुड पंडित जी, सुपर गुड पंडित जी, मज़ा आ गया यार ये देख के पैटी तो। और ये कितने की है पंडित जी? ये भी 20 का ही बेच रहे हैं। 20 की बेच रहे हैं। अब देख, 20 की बेचते थे लेकिन अभी 20 का ही बेच रहे हैं। क्या बात है। अब बर्गर भी दिखा दो ज़रा। बताइए पंडित जी क्या टाइमिंग क्या है आपका यहाँ पे? 11 बजे से लेकर 5:45 बजे तक यहाँ खड़े होते हैं। ठीक है, बाल भारती स्कूल के सामने सर, गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग है ये, और बाल भारती स्कूल के बिल्कुल सामने लगा जी। और शाम में भी जाते हैं कहीं? हाँ, शाम को 5:30 से 9:30 टैंक रोड मार्केट में गली नंबर 3। अच्छा, इसमें राजधानी टी शर्ट वाला एक मशहूर है। ठीक है, वही होते हैं। हाँ, उसी गली के पूरे। तो भाई मैं एकदम देसी तरीके का बर्गर है भाई, कोई मेयोनीज नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, कोई झंझट फालतू का नहीं है, बस ये एक सिंपल बर्गर है जो कि है सिर्फ टिक्की, प्याज, टमाटर और खीरे का। ये जी आइएगा और एंजॉय कीजिएगा स्ट्रीट को, और बताइएगा आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी।